हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। और अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। पानी आया, मैं पानी भरूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पानी नहीं आ रहा है, ये पानी आते हैं, पहले पानी भरूंगी उसके बाद सारे काम करती हूँ। किचन मैंने रात को ही सब साफ कर दिया था, तो सुबह साफ नहीं करना रहता है, खाली हल्का सा पोंछ लेती हूँ तो हो जाता है। और यहाँ पे रखा है दूध बाबूगा, कल का दूध है, इसको हल्का सा मैं गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे दूध रख दिया ज्यादा गर्म होने के लिए, ताकि बाबू उठे तो पी लें। और ये देखो पानी आ गया है, जल्दी पानी भर देती हूँ, उसके बाद देखिए क्या करना है। तो ये ड्राम भर है, तब तक मैं चलती हूँ टाके के पानी चालू कर देती हूँ। और ये टाकी और ये ड्राम, ये दोनों पानी में इसलिए भरती हूँ ताकि मैं और बाबू, हम लोग बोरिंग के पानी से नहीं नहाते हैं, मैं और बाबू, और मीठा पानी आते हैं उससे नहाते हैं, क्योंकि बोरिंग के पानी से आते हैं थोड़ी सी एजिंग होती है मुझे, फिर बाबू को भी सेम प्रॉब्लम है मेरे जैसे, तो फिर इसलिए मैं पीने का पानी भर लेती हूँ टाके में और ड्राम में, उसी से मैं और बाबू नहा लेते हैं अपना। पानी भर के मेरा हो गया है, अब चल रही हूँ मैं बाबू के लिए गर्म पानी करूँगी पीने वाला, और उसका बॉटल मुझे धोना है तो वो बॉइल करूँगी। और उससे पहले मैं अपने किचन थोड़ा साफ कर लेती हूँ, हल्का सा पोंछ लेती हूँ गीले कपड़े से। बाबू का ये दूध गर्म हो गया, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, और ये पानी गर्म कर लेती हूँ बाबू के लिए गर्म करूँगी, तो मैं भी उसे पी लूँगी दो गिलास। बाबू के लिए मैं थर्मस में 1 लीटर पानी भर के रखती हूँ, ताकि पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा के पिला सकूँ उसको, तो ये उसको रख देती हूँ। और थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो इसी में थोड़ा पानी और डाल के मैं अपना गर्म कर लेती हूँ, मैं पी लेती हूँ अपने लिए। पानी गर्म हो गया है, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, और बाबू का बॉटल भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको धो लेती हूँ। और मैं किचन में बैठ के पानी पी रही हूँ, क्योंकि ये बेडरूम में बाबू और ये सो रहे हैं। पानी पी के हो गया है मेरा, और डेली मुझे 2 गिलास ना गुनगुना पानी चाहिए रहता है, गुनगुना पानी पीने के बाद ही मैं इतना सारा काम करती रहती हूँ। इनको भी देती हूँ पीने के लिए, पर ये पीते ही नहीं। बाबू का बॉटल मैंने यहाँ पे धो के रख लिया है, अब चल रही हूँ मैं उसके लिए ये एप्पल और ये गाजर बॉईल कर लेती हूँ। एप्पल और गाजर बॉईल होने के लिए चल रही, मैं बाबू के लिए बनाऊंगी भगवत की खिचड़ी, इसलिए मैंने ये भगवत निकाल के रखी हूँ थोड़ा सा, और गया मैंने टमाटर निकाल लिया।
मेरे लिए एक मिर्ची डालने के लिए एकदम बारीक बारीक काट के डाल लेती हूँ। अभी हो रहे 8:20 और अभी भी बाबू और ये सो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बाबू और ये अभी भी सो रहे हैं, ये देखिए। और चलती मैं अपना काम करती हूँ, देखो कब उठते हैं। मगर मैं भुज के निकाल ली हूँ और इसमें डाली हूँ हल्का सा तेल और इसमें डालूंगी पहले मैं जीरा और ये हींग। यहाँ पे छड़ी में चढ़ा दी हूँ पकने के लिए और ये बाबू का एप्पल गाजर भी हो गया है बॉईल, ये देखिए। तो मैं इसको काट लेती हूँ और इस पर रख देती हूँ उनके लिए चाय में। ये बाबू का दूध था कल का, तो उसी में थोड़ा चाय बनाई हूँ और बाबू के लिए रखी हूँ मैं थोड़ा सा, जब वो पी लेगा उसके बाद में फिर उसके लिए गर्म कर दूँगी दूध। और यहाँ पर चाय मेरा पक रहा है, ये देखो बाबू मेरा उठ गया है सो के। अब वो हाई कर दो, हाई कर दो, हाई। अच्छा जय श्री राम कर दो, जय श्री राम कर दो, जय श्री राम। बाबू सबको जय श्री राम कर रहा है। उनका चाय बन गया, चल रही मैं इनको चाय दूंगी, अपनी बेटों को दूध दूंगी। हाँ सबको बोल दो बाबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दो। अच्छा फ्लाइंग किस दे दो सबको, फ्लाइंग किस दे दो। वाह वाह भाई वाह। आज टिफिन में इनको दूंगी आलू का भाजी में, तो मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ। पानी आता है 7 बजे और 8 बजे चला जाता है 1 घंटे में, तो पानी चला गया ये देखिए, गया पानी। तो इसीलिए सब मैं थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा करके रखती हूँ, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ धोना होता है, बनाना होता है, किचन साफ करना होता है, तो फिर वहाँ पे भर के रख लेती हूँ मैं साइड में एक टब है, उसमें भर के रख लेती हूँ, तो फिर उसमें अपना साफ करना किचन में हो जाता है। और सब खाना बनाने के पानी रखी हूँ मैं बकेट में, ठंडा कर भर के रखती हूँ, तो भाजी खाना सब धोना बनाना सब कुछ मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये बाबू खिचड़ी भी बन गया है। देखिए बाबू खिचड़ी बन गया है। और चलती हूँ मैं आटा गूंथ लेती हूँ और ये आलू की भाजी के लिए मैं टमाटर कांदा मिर्ची सब काट लेती हूँ। बाबू को दी यहाँ पे दूध पीने के लिए। और ये देखिए पूरा बिस्तर उसे फैला है, ये भी छोड़ के चले गए हैं वैसे, चलती पहले सब मोड़ के रख देती हूँ मैं। रुक जाओ, क्यों मार रहे हो पैर से, लग जाएगी ना। आलू की भाजी बनाने के लिए अभी मैंने लहसुन काट ली हूँ और हरी मिर्च काट ली हूँ और थोड़ा सा टमाटर काट ली हूँ मैं। आटा गूंथ रही थी बीच में से रख दी आलू चेक करने के लिए, ये कल का थोड़ा आटा है तो ये भी इसको भी बना लेती हूँ मैं, इसलिए मैं आटा थोड़ा ही लगाई थी, ज्यादा नहीं लगाई हूँ। फिर डाल के छील लेती हूँ और जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए अभी तो ऑफिस का टाइम हो रहा है, ये गए हैं नानी के लिए।
डाल दूंगी लहसुन। इसमें डाल दे रही हूँ मैं आलू। इनका टिफिन ही भर लगा दी हूँ मैं, इनको दे देती हूँ टिफिन। बस चलो पप्पी मत लो, चलो इसको गुस्सा आ रहा है यार, अच्छा जा रही हूँ, मुझे लेके जा रही है तो एक कान के नीचे लगा दी इनको, एक बचा दिया ऑफिस गया। उसके बाद मैंने अपनी रोटी पूरी बना ली है, उनको टिफिन दे दी थी और इतनी भाजी बची है, इसमें मैं खा लूंगी। बाबू थोड़ा अगर खाएगा तो खिला दूंगी मैं, बाबू के लिए निकाल दी खिचड़ी में, चलती उसको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं भी नाश्ता करूंगी। बाय बाय कर रही हूँ, बाबू खा लेगा वो, देखो बाबू ला रहा है, छोटा भाई बोल रहा है मम्मी खा लो मैं आ रहा हूँ खा लो। वो देखो खा लिया बाबू मेरा, ये देखो मैं रखी थी किचन में अपना खाना, बाबू जल्दी भी लेके आया है, बैठ जाओ बाबू मैं नम नम खा लूं। ये देखो मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा है, चलो बैठो, हाँ बैठे बैठ जाए खा ले नम नम। 10:30 बज रहे, मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, अदर रोटी ली, थोड़ा सा भाजी ली, मैं भी नाश्ता कर लूं, काम तो रहेगा, मैं नाश्ता कर लूंगी तो सही रहेगा। इनका सुबह का इनका टिफिन हो गया, बाबू का नाश्ता हो गया और अभी हो गया है नाश्ता, और अभी चलती हूँ घर के कमरे में रखती हूँ, पूरा घर बिखरा पड़ा है। कल का ये कपड़ा भी दिख रहे हैं यहाँ पे, निकाल के यहाँ फेंके, तब से ये यहाँ पर ही बड़ा है कल से, और थोड़ी बहुत चीजें बाबू हमारी फैला देते ही, इनका तो रोज का काम है, उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते वैसे हम। मैं बालकनी में झाड़ू लगाई थी तब मैंने देखी है बारिश आ रही है, बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। ये देखिए बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं रख दूँ बाबू के लिए पानी गर्म होने के लिए, पानी गर्म करके नहला दूँ बाबू को, उसके बाद मैं किचन साफ करूँगी, किचन गंदा पड़ा है, खाली बर्तन निकालूँ मैं अभी, बस ठंडा पानी नहीं है बेटो, गर्म पानी लाइन आई हो गई। बाबू को मैं नहला दी, नहला के यहाँ पे उसको पोछ दी, पोछ के इसको मैं रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में अपने किचन साफ करूंगी। और ये किचन हो गया मेरा साफ, ये देखिए, और ये सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, तो चलती हूँ सारे बर्तन में लगा देती हूँ। अब चर्री में लगा देती हूँ मशीन, और ये कपड़े चालू कर देती हूँ ताकि ये धुल जाए।
यहाँ मशीन लगा दी हूँ कपड़े धुलने के लिए। और ये देखिए बाबू मेरा यहाँ पे सो रहा है। सुबह के 7 बजे से काम करते करते मुझे 2 बज गए हैं। अब जाके घर के मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं और बाबू को सुलाने में मेरा 1 घंटा चला जाता है। सुलाने के बाद जो भी काम थे उसे मैंने खत्म कर लिए हैं अपने। और अभी बज रहे हैं 2 और मेरी भी हालत हो गई खराब। अब चलते थोड़ा सा मैं भी आराम करूंगी। उससे पहले मैं अपना ये ड्रेस चेंज करूंगी। ड्रेस चेंज करने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूंगी और इसके साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।